का जादू, भाषा और साहित्य पर लेखन अविस्मरणीय, कविताओं की पंक्तियाँ जिनकी कहानी लिखने की कला है बेमिसाल। ऐसे रचयिता हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, फिर भी हम एक। मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम जताने का अंदाज हर लेखक का, हर कवि का अलग होता है, लेकिन मातृभूमि और देशभक्ति का जज्बा कहें तो वो रमेश पोखरियाल निशंक की कविता की पंक्तियों में साफ दिखाई देता है। घने बादलों का झुरमुट तो आज क्षण भर में छट जाएगा, मेरा स्वर्णिम स्वप्न दिवस तो सूर्य धरा पर लाएगा। घने बादलों का झुरमुट तो क्षण भर में घट जाएगा, मेरा स्वर्णिम स्वप्न दिवस तो सूर्य धरा पर लाएगा। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव पिनानी में वर्ष 1959 में श्री परमानंद पोखरियाल और श्रीमती विशंभरी देवी के घर में हुआ। पिनानी गांव, जहां पर विकास की कल्पना करना एक अंधेरी रात के बराबर था। निशंक जी का बचपन बहुत ही संघर्ष से बीता। पिता माली थे, जिस कारण घर में हमेशा पैसे की किल्लत रहती थी। आजीविका थी ही नहीं जो अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई करा सके, लेकिन बचपन से ही ओजस्वी तेज लिए निशंक जी ने हर कठिनाई का डटकर सामना किया और एक निर्धन परिवार के होने के बाद भी हाईस्कूल पास किया। बचपन के संघर्ष ने निशंक जी को इतना मजबूत बना दिया कि दिक्कत भी उनके आगे सर झुकाने लगी। कांटों पर जो चलकर जीने का हौसला रखते हैं, एक दिन सारा आसमां उनके कदमों में होता है। शायद यही वजह है कि गरीबी की मार और कठिन संघर्ष ने निशंक जी को हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दी। बचपन से ही कविताओं और साहित्य में निशंक जी का मन रमा। लिखने की कला तो जैसे ईश्वर ने वरदान के तौर पर उन्हें दे रखी। उन्होंने अपनी बात को अपनी लेखन कला के जरिए इतनी बारीकी से बुना कि लोग वाह वाह कहने लगे। निशंक, जिसका अर्थ ही है निर्भय, जो बिना किसी से डरे अपनी बात को इस रूप में पेश करे कि लोग कायल हो जाएं। निशंक जी को एक साहित्यकार के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली। उन्होंने हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से कला में स्नातक किया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी निशंक जी ने छात्र जीवन के दौरान ही कई उपलब्धियां हासिल की। एक लेखक होने के साथ ही एक राजनीतिज्ञ भी हैं। लेखन कला के महारथी होने के बाद भी निशंक जी राजनीति से जुड़े। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो राजनीति में अपनी पहचान बनाएंगे, लेकिन किस्मत को जो मंजूर। उनकी विकासशील दूरदर्शी सोच ने उन्हें राजनीति के मैदान तक पहुंचाया। सन 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए कर्णप्रयाग निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए और यहीं से उनके लेखन के साथ साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। सन 1997 में वो उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तरांचल विकास मंत्री बने। राजनीति में अपनी धाक जमाने वाले डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी 2009 से 2011 तक उत्तराखंड के सीएम के पद पर आसीन रहे। एक युवा सीएम होने के कारण उनमें मातृभूमि के विकास के लिए जोश जुनून था। उन्होंने ऐसे ज्वलंत मुद्दों को इस तरह से सुलझाया कि पहाड़ की सरजमीन विकास की चमक दमक से जगमगाने लगी। इस कालखंड में वे उत्तराखंड के पांचवें मुख्यमंत्री बने। वह हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी के सांसद हैं और संसद की आश्वासन समिति के सभापति भी। बुलंदियों को छूने की तमन्ना है तो हर राह आसान हो जाती है, जिलों में उम्मीदों के रास्ते हों तो पहचान बन जाती। ये पंक्तियां डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के जीवन पर सटीक बैठती। डॉक्टर निशंक जी ने बचपन से ही दूरदर्शिता का परिचय देते हुए तमाम वो उपलब्धियां हासिल की जिन्होंने उन्हें उन्नति की परिकाष्ठा तक पहुंचाकर सर का ताज बनाया। वो हमेशा से ही प्रकृति प्रेमी हैं। उन्होंने अपने साहित्य लेखन में समाज के उन दबे कुचले लोगों के चेहरों को दिखाया जो आज भी कहीं ना कहीं उदासीपन की जिंदगी जीते हैं। निशंक जी ने अब तक 10 कविता संग्रह, 10 उपन्यास, 12 कहानी संग्रह, पर्यटन ग्रंथ, 6 बाल साहित्य और 2 व्यक्तिगत विकास संदर्भ पुस्तिका छापी। निशंक जी पुस्तकें तो लिखते रहते थे, लेकिन उन्हें सफलता मिली 1983 में।
जब उनके काव्य संग्रह समर्पण का प्रकाशन हुआ, जिसके बाद उनके लेखन ने ऊंचाइयों के उस मकाम को छुआ जिसकी कल्पना शायद निशंक जी ने भी नहीं की होगी। पूर्व महामहिम ज्ञानी जैल सिंह ने उनकी पुस्तक का राष्ट्रपति भवन में लोकार्पण करते हुए कहा, निशंक ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत तमाम रचनाएं रचकर राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है, जो देश में एक अच्छा वातावरण तैयार कर। निशंक जी की सकारात्मक सोच उनकी साहित्य कला के लिए काफी प्रभावशाली रही। वो समाज की असंख्य बुराइयों को अपने उपन्यास और कहानियों के जरिए इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि लोग उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। असाधारण व्यक्ति जैसी कद काठी लेकिन विचार उच्च कोटि, ऐसा है निशंक जी का व्यक्तित्व। उनके काव्य संग्रह संघर्ष जारी है की कविता वीर सपूतों का वंशज हो, इन शब्दों में राष्ट्र प्रेम की झलक दिखती है। निशंक जी ने अपनी कविताओं में शब्दों के मोती पिरोकर शहीदों की शहादत को अमर कर दिया। वह अपने लेखन में इस कदर डूब जाते कि शब्दों के समुद्र में अर्थों के चमकीले मोती चुनकर उन्हें अपने उपन्यास की लाइनों में सजा देते। उनका केदार आपदा पर लिखा उपन्यास इस बात का पुख्ता प्रमाण है। उन्होंने हमेशा से ही लेखन को अपने जीवन और कर्म का एक अंग माना। जिस तरह से समुद्र की गहराई में असली मोती मिलते हैं, उसी तरह से निशंक जी के साहित्य में भारतीय जीवन दर्शन और सभ्यता की समृद्धि से बंधी परिकल्पना और परिपाटी मिलती है, जिसकी डोर हमेशा निशंक जी की कलम में होती है। राष्ट्र प्रेम को चरम परिकाष्ठा की ओर ले जाने में निशंक जी ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उनके लेखन में उत्तराखंड की सुंदरता का वर्णन है। पहाड़ी राज्यों में विकास किस तरह से हो, इस बात को डॉक्टर निशंक जी से बेहतर कोई और नहीं जान सकता। उत्तराखंड नंदा राजा द महाकुंभ ऑफ हिमालय एक यात्रा लेख निशंक जी की सर्वश्रेष्ठ कृति है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित है, जिसे पढ़कर उद्योगपति अनिल अंबानी ने कहा कि देवभूमि की देवी नंदा राजजात पर निशंक जी की पुस्तक संग्रहणीय है। इसमें उत्तराखंड का संपूर्ण जीवन दर्शन है, जो आत्मसात होकर कुछ करने की प्रेरणा देता है। अपने हिमालय यात्रा लेख पर स्वयं निशंक जी ने कहा, हिमालय से मुझे हमेशा से प्रेम रहा है। सिर्फ हिमालय ही नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड से मुझे प्रेम है। ये दोनों ही मुझे हमेशा प्रेरणा और उत्साह देते रहते हैं। वो अपनी हर रचना में अपने राष्ट्र संस्कृति और समाज की हर उस पीड़ा को बयां करते हैं जिसको उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया। लेखन कला के महारथी कहे जाने वाले निशंक जी को उनके इस अतुल्य रचना संसार के लिए कई बार सम्मानित किया गया। देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के साहित्यकारों ने निशंक जी की रचना का लोहा माना। राजनीतिज्ञों ने भी उनके राजनीतिक ज्ञान और सुप्रशासन की प्रशंसा की। उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय सम्मान इस तरह से। निशंक जी को ए मेरे वतन तेरे लिए के लिए स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साहित्य गौरव सम्मान से नवाजा। मुंबई में कोई मुश्किल नहीं काव्य संग्रह के विमोचन पर साहित्य चेता सम्मान मिला। राष्ट्र से जुड़ी कविता देश हम चलने न देंगे के लिए राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह ने पुरस्कृत किया। देशभक्ति गीतों पर लिखी कविता मातृभूमि के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने उन्हें सम्मानित किया। कहानी संग्रह खड़े हुए प्रश्न के विमोचन पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साहित्य भारती सम्मान से नवाजा। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मुझे डॉक्टर निशंक की संघर्षशीलता और दृढ़ इच्छा शक्ति पर विश्वास है कि वो अपनी लेखनी से निरंतर आम जनमानस की भावनाओं को समाज और देश के सामने एक प्रश्न के रूप में खड़ा करते रहेंगे। जब मैंने निशंक जी द्वारा लिखी कविता संग्रहों की मैं कह रहा हूं, एक संग्रह नहीं अनेक संग्रह मैंने जब उन कविता संग्रहों को देखा तो मैंने निशंक जी को प्रणाम किया। मैंने कहा आप लिखते जाते हैं और लिखते जाते हैं और बिना थके लिखते जाते हैं।
हिमालय का महाकुंभ नंदा देवी राजजात पुस्तक के लिए भारत सरकार ने राहुल सांस्कृतियायन पर्यटन पुरस्कार दिया। संस्कृत को दूसरी राष्ट्रभाषा घोषित करने पर उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी ने निशंक जी को डीलिट की मानद उपाधि दी। अंतर्राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय कोलंबो ने आयुष क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी। राठ जन विकास समिति देहरादून ने निशंक जी को राष्ट्र गौरव सम्मान 2007 से नवाजा। नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी द्वारा भारत गौरव सम्मान 2007 से नवाजा गया। हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी ने साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। हॉलैंड रूस नॉर्वे सहित कई यूरोपीय देशों में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। दुबई में सुशासन के लिए सम्मानित किया गया। युगांडा सरकार के द्वारा मानवीय शिखर सम्मान से नवाजा गया। नेपाल सरकार के द्वारा हिमालय गौरव सम्मान दिया गया। मॉरिशस सरकार ने मॉरिशस सम्मान से सम्मानित किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने साहित्य राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निशंक जी को गोपियो अंतर्राष्ट्रीय असाधारण उपलब्धि सम्मान से नवाजा। इस सम्मान समारोह में उन्होंने कहा, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जैसे असाधारण उपलब्धियों वाले व्यक्ति को सम्मानित करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मॉरिशस के राष्ट्रपति सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ने भी निशंक जी की तारीफ की और कहा, डॉक्टर निशंक राजनीति और साहित्य के बेजोड़ संगम है। वो सही मायनों में हिंदुस्तान के सुपरमैन है। माँ गंगा को निर्मल बनाने की उनकी कोशिश वाकई काबिले तारीफ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने निशंक जी को उत्कृष्ट साहित्य के लिए प्रभाकर शैली सम्मान से सम्मानित किया। मुंबई के स्कॉन संस्था ने राजनीतिक क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों के लिए स्कॉन अवार्ड से सम्मानित किया। इस तरह डॉक्टर निशंक को देश और विदेश में 300 से अधिक संस्थाओं ने पुरस्कृत और सम्मानित किया। डॉक्टर निशंक के लिखे गीतों को लेकर सुरों की मलिका लता मंगेशकर ने कहा कि डॉक्टर निशंक के लिखे गीत समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हे वीणा एक जीवन है अनेकों तार जिसमें सब गुणों से पूर्ण है ये निहित अमृत धार इसमें। कौन जानता था जो बचपन में कविताएं लिखता था वो एक दिन पूरे देश में अपने लेखन के लिए सम्मानित किया जाएगा। लिखने का कौशल और दूरदर्शी सोच शायद यही वजह रही होगी कि आज पूरा विश्व डॉक्टर निशंक को राजनीति और साहित्य जगत का संगम मानता है। नेता से लेकर अभिनेता तक उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। डॉक्टर निशंक ने विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ी। अब तक निशंक जी ने अपने साहित्य रचना को लेकर जापान, मॉरिशस, श्रीलंका, नॉर्वे, थाईलैंड, नेपाल, युगांडा, दुबई के दौरे पर गए थे। उनकी कई रचनाओं को इतना पसंद किया गया कि उन्हें उस देश की भाषा में अनुवादित भी किया गया। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हम भारतवासी विदेशी भाषाओं में अनुवाद, कहानी संग्रह खड़े हुए प्रश्न का तमिल अनुवाद, अनकेल्विक्कू अन्ना बाथिल, ए वतन तेरे लिए देशभक्ति की संग्रह का तमिल अनुवाद तायनाडे उनक्काड, तथा तेलुगु अनुवाद जन्मभूमि, कहानी संग्रह भीड़ साक्षी है का अंग्रेजी अनुवाद द क्राउड बियर्स विटनेस, कहानी संग्रह तुम और मैं का जर्मन अनुवाद दू उंद इस, कहानी संग्रह बस एक ही इच्छा का जर्मन अनुवाद नूर एंड वस्क, कहानी संग्रह खड़े हुए प्रश्न का मराठी अनुवाद प्रश्नांकित, कहानी संग्रह क्या नहीं हो सकता का मराठी अनुवाद सांगले शाक्य आहे, कहानी संग्रह खड़े हुए प्रश्न का फ्रेंच अनुवाद एस्पेरेंसिस एट वेरिटेस, कहानी संग्रह बस एक ही इच्छा का गढ़वाली अनुवाद कथका खोरा होर। इसके अलावा भी निशंक जी की कई रचनाएं हैं जिन्हें देश विदेश में पसंद किया गया।
मिल गए तुझको पूरे अंग, मान गए तू बड़ा निशंग। शाबाशे शाबाशे शाबाशे। हे मिल गए तुझको पूरे अंग, मान गए तू बड़ा निशंग। लिखने का ऐसा कौशल कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली और यकायक साहित्य जगत में चमकते सितारे बन गए। डॉक्टर निशंक जी के लिखे हुए साहित्य पर शोध कार्य हुआ, जिसमें से कुछ उल्लेखनीय महत्वपूर्ण शोध कार्य हैं। डॉक्टर नंद किशोर डोंडियाल अरुण के अधीन मंजुला डोंडियाल द्वारा निशंक के संपूर्ण साहित्य पर प्रस्तुत शोध कार्य। डॉक्टर सुधाकर तिवारी द्वारा करवाया गया गीतों और कहानियों का शोध कार्य। डॉक्टर कुसुम डोभाल मिश्र के निर्देशन में श्री विनोद रावत द्वारा डॉक्टर निशंक के साहित्य में मानव मूल्य पर गढ़वाल विश्वविद्यालय टहरी परिषद में कृत शोध कार्य। मद्रास विश्वविद्यालय में डॉक्टर सैयद रहमतुल्ला के निर्देशन में श्री एम के विजयन राघवन द्वारा डॉक्टर निशंक के संपूर्ण साहित्य के समग्र मूल्यांकन पर कृत शोध कार्य। मेरठ विश्वविद्यालय में डॉक्टर नवीन चंद्र लोहानी के निर्देशन में डॉक्टर निशंक के साहित्य पर कृत शोध कार्य। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल के निर्देशन में डॉक्टर निशंक के कथा साहित्य पर प्रस्तुत शोध कार्य। प्रोफेसर हरिमोहन के निर्देशन में आगरा विश्वविद्यालय में डॉक्टर निशंक के साहित्य पर प्रस्तुत शोध कार्य। प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया के निर्देशन में कुमाऊं विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में डॉक्टर निशंक के साहित्य पर कुमारी सोनिका रानी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य। निशंक जी के लिखे हुए देशभक्ति गीतों की कई एल्बम भी बनी, जो टी सीरीज के द्वारा रिलीज भी की गई। एक है बगिया, पुष्प है सारे, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे। गढ़वाली गीतों का ऑडियो कैसेट उत्तरांजलि टी सीरीज ने रिलीज किया। देशभक्ति गीतों का ऑडियो कैसेट मातृभूमि के लिए रामा कैसेट ने रिलीज किया। गढ़वाली गीतों का पहला चित्रहार दूरदर्शन और लखनऊ केंद्रों से प्रसारित हुआ। आकाशवाणी के माध्यम से देश गीतों का गायन और प्रसारण हुआ। कंठ तेरे है अनेक, स्वर तुम्हारा एक है, स्वर तुम्हारा एक है। कंठ तेरे है अनेक, स्वर तुम्हारा एक है, स्वर तुम्हारा एक है। पूज्य पद में आपके शीश अपना एक है, शीश अपना एक है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं, मनुष्यता होगी धरा पर संवेदना खोई नहीं, किया है बलिदान जीवन निर्बलता खोई नहीं, कह रहा हूँ ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं। कविता के एक एक शब्द देश और दुनिया को राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देते हैं। कि अनेकता में एकता विशेषता हमारी है और विशेषता हमारी है। जन्मभूमि राम की ध्रुव की तपस्थली, शक्ति के प्रतीक है साहसी महाबली। नर और नारायण की ये धरती भी प्यारी है, अनेकता में एकता विशेषता हमारी है। तो ये इस गीत में अनेकता में एकता विशेषता हमारी है, उसमें सारे यही विषय हैं। उत्तराखंड के ऐसे साहित्य चेता को शत शत नमन, वंदन और अभिनंदन। साथ मेरे हमेशा वो भगवान था, टूटने न दिया था किसी बात से। मैंने कांटों को भी है लगाया गले, मेरा चलने हुआ दिल क्यों दिखता नहीं, तुमको दिखता।